तो आज के इस वीडियो में हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट है और यहाँ पे हम मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्या होता है मैट्रिसेस, आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा है, बट हम यहाँ पे कुछ हायर लेवल में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो सिलेबस में, जैसा कि आप यहाँ पे कि रैंक ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम कहीं बात करें तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, सेमेट्रिक स्क्यू सेमेट्रिक पढ़ना है एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है। फिर उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ESC का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बहुत ही ईजी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे ही ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद एक नया कोर्स आने वाला है। जितना भी गेट में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जितना भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। ये बेसिकली ये हमारा लास्ट यूनिट है और यहाँ पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इवन ये यूपीएससी के सिलेबस में भी अगर आप मैथ्स ऑप्शनल लेना चाहते हो तो ये वहां पे भी आपको ये टॉपिक वहां पे मिलेगा। फिर उसके बाद देख सकते हो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास इतना टॉपिक पढ़ना है। तो इसको एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। चलिए हम एक एक टॉपिक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम बात करें मैट्रिसेस के बारे में तो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है और हम यहाँ पे बेसिकली मैट्रिसेस के बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे और इजी वे में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा डीप में जाना है बट हम स्टार्टिंग में जो आप 12th में पढ़े हैं उसको ही थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद फिर कहीं हम आगे बहुत डीप में जाएंगे, राइट। मैट्रिसेस में हम इतना डीप में जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मैट्रिसेस कुछ पढ़ने लायक होता है और मैट्रिसेस को हम यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें मैट्रिसेस के बारे में तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले तो मैट्रिसेस होता क्या है, हम बोलते हैं किसको है। अगर हम मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ हमारे पास रहता है। अगर सपोज ये 9 2 7, अगर ये हमारे पास 2 3 7 तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 × 2, ठीक है, सॉरी 2 × 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरीके से तो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको क्या देखना है माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स टॉपिक। और सबसे पहला टॉपिक हमारा बेसिकली रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, बट इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइनर ऑफ ए। और बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही लेंदी थोड़ा चलता है, इसका प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा स्पेस चाहिए इसके लिए, इसलिए मैं आज अपना वीडियो भी ऑन नहीं किया हूँ। अगर आपको ऐसा लगे मुझे कि अगर वीडियो ऑन करके समझाना है तो मैं वहां पे भी ऑन करूंगा, बट अभी हमारे पास थोड़ा स्पेस यहाँ पे चाहिए इसलिए मैं इसको बंद किया हूँ। तो इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर, सपोज यहाँ पे 2 × 3 ऑर्डर है बट यही ऑर्डर हमारे पास m × n हो जाए, ये भी तो हमारे पास हो सकता है। तो जब हमारे पास m × n ऑर्डर हो जाए, कंसिडर एनी r रो एंड r कॉलम, राइट। तो अगर हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम, सपोज आपको पता है कि ये हमारे पास रो है जो कि 2 रो है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा था, हमारे पास ये वाला हमारे पास कॉलम होता है जो कि यहाँ पे 3 कॉलम है इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा। तो वही बोल रहा है कि ना मैट्रिक्स ऑर्डर कंसीडर एनी आर रो एंड आर कॉलम, राइट, द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर आर उस एलिमेंट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एक एग्जाम्पल ले ले तो ए इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखें ये हमारे पास सपोज हो गया 2 5 3 एंड 3 2 1, तो ये अगर हम इसका देखें तो ये हमारे पास 2 × 3 का है रैंक का। तो देन माइनर ऑफ, अगर हम इसका माइनर निकालना चाहें, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 2, राइट, जो सबसे मिनिमम होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो रो हमारा 2 ही है, कॉलम मैं जानता हूँ कॉलम यहाँ पे 3 है बट रो तो बेसिकली 2 है ना, तो जो चीज यहाँ पे सबसे कम होगा वो यहाँ पे माइनर बोला है, नॉट मेजर, आई एम नॉट टॉकिंग मेजर, हम यहाँ पे माइनर के बारे में बात कर रहे हैं। तो माइनर मतलब क्या, जो सबसे छोटा हुआ उसे तो हम माइनर देते हैं, तो जो सबसे छोटा हुआ मतलब यहाँ पे 2 ऑर्डर है ना रैंक, अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉल रैंक तो 2 है, तो
तो यहाँ पे हम इसीलिए दो के बारे में बात कर रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो इसका माइनर ऑफ ऑर्डर भी यहाँ पे दो होगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसको दो की कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको मैं 1 सेकेंड में इसको बताता हूँ और किस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसको हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 2532 ये पहला हो गया, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 5321, एक और तरीके से हम लिख सकते हैं 2331। तो ये हमारे पास तीन तरीकों से इसको लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इसका माइनर ऑफ ऑर्डर कितना 2 हो गया, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स था। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा मेन टॉपिक अगर बात किया जाए तो यहां से स्टार्ट होता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये मेन टॉपिक है और आप अच्छे से इसको क्लियर करते जाना, और बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से अगर ये चीज बेसिक आपका क्लियर होते जाता है तो आगे भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा, राइट। तो आप मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलना, और बेसिकली मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो इसमें बोल रहा है द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब आपको तो पता ही होगा, आपने क्लास 12th में पढ़ा था, तो अब मैं इसको नहीं बताना चाहता बार बार कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा था। बट एक चीज मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, मतलब यूं कि ये अगर हमारे पास रो में 2 है और कॉलम भी हमारे पास 2 है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? अगर यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में बोल रहा है कि द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, सपोज यहाँ पे दिया है 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अगर इसकी बात की जाए, अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास रैंक मैट्रिक्स ए का, अगर हम रैंक देखें तो ये हमारे पास रैंक ए हो जाएगा। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर इफ इट हैज एटलीस्ट वन नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर एंड ऑल द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर आर सिंगुलर। अगर यहाँ पे ये अगर हम बात करें तो एटलीस्ट वन नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए आर के ऑर्डर में, राइट, और ऑल द स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर हायर देन आर आर सिंगुलर। तो यहाँ पे अगर सारे सिंगुलर रहेंगे, एटलीस्ट वन नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स रहेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर जो ए मैट्रिक्स है उसका रैंक भी क्या होगा, ये होगा। और रैंक को बेसिकली मैं अगर हम यहाँ पे बताएं तो रैंक को रो ए या फिर डायरेक्ट आप रैंक ए से डिनोट करते हो। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपका जितना भी प्रॉब्लम अभी आ रहा होगा माइंड में, बहुत एक क्या है कि अभी हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो मैथ वालों का ये चीज होता है कि थ्योरी कभी समझ ही नहीं आता था, हम प्रॉब्लम करते हैं वहीं हमें थ्योरी समझ में आता है। तो इस तरीके से अभी थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो रो को अगर हम सॉरी रैंक को अगर हम अगर दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से रो ए या फिर रैंक ए डायरेक्टली यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। चलिए तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पे फिर आपको अच्छे तरीके से हम समझा सकते। तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मैट्रिक्स ए वेयर ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये हमारे पास दिया है 2 1 -1, 0 3 -2 एंड 2 4 -3, ये हमारे पास दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या दिखाना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिखाना है। तो जब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज तो यहाँ पे कॉमन है, अगर हम बात करें तो एक चीज क्या कॉमन दिख रहा है कि हमारे पास ए का जो वैल्यू है ये हमारे पास
स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ए की बात करें तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता, लेकिन उसे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ता बाद में। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम इसका अगर हम मोड ए निकालना चाहें यहां से, तो मोड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 -1, 0 3 -2, 2 4 -3, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 -9 एंड +8, फिर ये हो जाएगा मेरे पास, अगर इधर से ले तो ये +2 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा -2 +3। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास हो जाएगा -2 +2 इज इक्वल टू 0। तो ये चेक करना है, जब यहाँ पे हमारे पास मोड ए का वैल्यू 0 आता है, राइट, जब हमारे पास मोड ए का वैल्यू 0 आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें माइनर की, अगर हम बात करें तो माइनर कितना बन सकता है इसका, तो माइनर तो हम दो दो का बना सकते हैं ना। दो दो का कहने का मतलब ये है कि जहां पे 0 ना आए तो यहाँ पे केवल हमें तो 2 ही मिला ना। अगर हम इसको अगर लेते, ये भी हमारे पास अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, नॉन जीरो अगर यहाँ पे वैल्यू होता, तो हम इसको बोल सकते थे कि इसका -3 होगा, लेकिन अभी हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा माइनर ऑफ ऑर्डर कितना है, 2। क्यों 2 है, ये चीज आपको समझ में आया होगा कि अगर यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू रहता तो ये हम ऑर्डर यहाँ पे 3 होता। बेसिकली यहाँ पे हमने 2 ही को लिया है, इसलिए ये हमारे पास 2 ऑर्डर, ये सब यहाँ समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन आ सकता है, तो एक तो हम इसको ले सकते हैं, लेने के लिए हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई जरूरी नहीं है कि 0 हो ना हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेने के लिए हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमारे पास देख सकते हो, ये हो जाएगा 6 -0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये 0 नहीं आया, जब ये 0 नहीं आया, अगर यहाँ पे 0 आ जाता, मतलब यूं अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हमारे पास रैंक का ऑर्डर 0 से कम होता, अरे सॉरी 2 से कम होता। लेकिन जब ये 0 नहीं आया, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रैंक का वैल्यू है वो हमारे पास 2 आया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, बट बेसिकली चलिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मोड ए का वैल्यू निकालना है। मोड ए का वैल्यू अगर 0 आता है, अगर 0 आता है मतलब कि आपका अभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स अभी 3x3 का है ना, अगर इसका रैंक देखा जाए तो ये 3x3 है, बट हमारे पास मोड ए का वैल्यू 0 आ गया, मतलब हम 3 नहीं ले सकते। तो जब 3 नहीं ले सकते तो हम कितने में जाएंगे, तो 2 में जाएंगे, और 2 में जाएंगे 2 को फिर से एक लेके देखेंगे, अगर ये नहीं 0 आया तो मतलब कि हमारा जो ऑर्डर है, रैंक है, वो हमारा 2 हो जाएगा। अगर ये भी 0 आ जाता तो हम बोलते हैं कि ये इसका जो ऑर्डर है, रो है, रैंक है, वो 1 होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट, मतलब यूं कि आपको बस मोड ए का वैल्यू निकालते जाना है, अगर 0 होगा तो कम करते जाना है, और अगर 0 नहीं होगा तो हम वही वैल्यू हमारा रैंक होगा, मतलब रो ए का वैल्यू हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि यहां इतना बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर थोड़ा सा भी किसी को डाउट हो तो वहां से ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है और मैट्रिक्स का वैल्यू हमारे पास दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 4 6 2 एंड 1 2 3 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स का वैल्यू दिया है और यहाँ पे हमें रैंक निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ऑर्डर कितना है, 3x4 का ऑर्डर है। तो जब 3x4 का ऑर्डर है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब यूं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते,
तो जब इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या हम इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन को डायरेक्टली, हम बोल दें यहाँ पे कि नो सॉल्यूशन? तो ऐसा नहीं करना है, हमें इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम 4x4 तो नहीं बना सकते, वो तो हम हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, बट हम इसको 3x3 में तो बना सकते हैं, इसका रैंक तो हम 3x3 कर सकते हैं। तो जब हम 3x3 करेंगे तो ये आप देख सकते हो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 4 6 एंड 1 2 3, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गया। अगर दूसरे की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 1 2 4 2, ये वाला 1 2 1 2 4 2 1 2 2, ये हमारे पास हो गया। अगर तीसरे मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 1, मतलब 1 3 1 2 6 2 एंड 1 3 2। अगर हम और आगे चलें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम इन तीनों को ले लेते हैं, 2 3 1 4 6 2 एंड 2 3 2। तो ये हमारे पास चार मैट्रिक्स बन गया, और जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तीनों, अगर चारों की बात करें तो इसका रैंक अगर हम देखें तो 3x3 है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हम सब में इसमें से दो कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन करने की बात हुई तो ये हमारे यहाँ से होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 1 एंड 3 6 3, राइट। और एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम इसको ऐसे ना करना चाहें, अगर हम इसको सिमिलर करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसमें से हम निकाल लेते हैं, इस रो में से, सेकेंड रो में से अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। अगर हम यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 1 1 2 1 1 2 2। अगर यहाँ से हम दो कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 1 1 3 1 एंड 1 3 1, सॉरी 1 3 2। यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 1 2 3 1 एंड 2 3 2। तो ये आप देख सकते हो कि सो ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि आपको पता है कि या तो दो रो इक्वल हो या तो दो कॉलम इक्वल हो तो उसको हम 0 कंसिडर करते हैं, मतलब ये हमारा 0 मैट्रिक्स होता है। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स है, इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स है, इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स है, इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स है। एक तो हमारे पास क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का आ गया कि आप मोड निकालते जाओ, मोड ए निकालते जाओ, अगर आपके पास उसका वैल्यू 0 आते जाता है तो उसको आप कम करते जाओ, या फिर सेकेंड हमारे पास क्या सेकेंड मेथड है कि आप इसको सॉल्व करते जाओ, अगर मैट्रिक्स 0 आ गया तो उसको फिर से हम सेकेंड ऑर्डर में लेंगे, जो माइनर था अब तो वो 3 नहीं हो सकता। इतना तो हमें यहाँ पर दो स्टेप करने के बाद समझ में आ गया कि माइनर जो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में इसीलिए माइनर पढ़ाया था, तो माइनर अब हमारे पास 3 नहीं हो सकता, तो चांसेस तो हैं कि रो का वैल्यू अब 3 नहीं होता होगा, तो 3 से कम तो होगा, ये चीज तो फिक्स है कि अब 3 से कम होगा, बट कितना होगा ये चीज हमें अभी भी नहीं पता है। तो चलिए अब दो में देखते हैं, अगर हम माइनर 2 की बात करें, अगर हम माइनर 3 से हटके 2 में चल जाए तो कोई भी एक यहाँ पे ले लीजिए, सपोज चलिए हम इसको ले लेते हैं, इस वाले को, तो हमारे पास हो जाएगा 6 2 3 2। अगर इसका मोड अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 6, मतलब 6 6 आर नॉट इक्वल टू 0। तो जब 6 0 के बराबर नहीं है, अब हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं आया, मतलब हम बोल सकते हैं कि रैंक हमारा 2 होगा, क्योंकि माइनर 2 में हमारे पास 0 नहीं आया। तो ये कंडीशन होता है, ये बेसिक मेथड होता है रैंक निकालने का, जो कि आप इजी वे में निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें, ओवरव्यू अगर हम बताएं, तो आज हमने सबसे पहले माइनर पढ़ा, उसके बाद मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताया, उसको रो ए से या फिर आप रैंक ए से डिनोट कर सकते हो, और इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड है कि ये सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आपको उसे बनाना पड़ेगा जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन 2 की ही अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमने किया तो सबसे पहले आपको मोड निकालते जाना है, मोड जैसे ही आप निकालते जाओगे अगर वैल्यू 0 है, अगर माइनर 3 में अगर वैल्यू 0 होगा, मतलब कि रैंक
का जो वैल्यू है वो 3 से कम होगा। और उसके बाद अगर हम 2 में निकालेंगे, -2 में निकालेंगे, अगर वहां पे 0 नहीं आता है, मतलब कि रैंक उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है। तो आज के इस वीडियो हमारा बेसिकली स्टार्टिंग वीडियो है, तो इसको हम ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, तो यहीं तक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना और फिर हम उसको आगे स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।